नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे देश में बहुत पहले से ही आप सभी की आय को बढ़ाने और फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में भी हम आपको नई नई तकनीकों की जानकारी निरंतर देते आए हैं, जिससे कि आपके उत्पादन स्तर को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। किसान भाइयों, ये तो हुई फसलों की बात। अब हम बात करेंगे कि हमारी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और कृषि संबंधी आगे सही नई नई जानकारी लेने के लिए कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। जी हाँ किसान भाइयों, यही विषय है आज का। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है समाचारों का, यानी कि खबरें खेती और मंडी भाव का। तो चलिए इसी से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के मुख्य कृषि समाचार। किसानों का 2 माह का ब्याज माफ, चने में कीट प्रबंधन के उपाय, मसूर का कटुआ इल्ली से बचाव, सब्जियों की खेती से ज्यादा मुनाफा और रीपर संचालन में प्रमुख सावधानियां। किसानों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने नवंबर दिसंबर 2016 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण पर 660 करोड़ 50 लाख रुपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने इसके साथ ही सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त लागत का बोझ उठाने के लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला भी किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए चने की फसल की सतत निगरानी की सलाह दी है। इसे ध्यान में रखते हुए फसल में इल्ली प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की 3 से 4 फीट ऊंची खूंटियां 8 से 10 मीटर की दूरी पर लगाने की सलाह दी गई है। 1 एकड़ क्षेत्र में 15 से 20 खूंटियां अवश्य लगावें, जिसमें इल्ली की संतति पर रोक लगेगी। फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ की दर से जगह जगह लगाने पर प्रौढ़ नर पतंगों को आकर्षित कर नष्ट करें। मसूर की फसल को कटुआ इल्ली से सर्वाधिक नुकसान होता है। इस कीट का प्रकोप रात्रि के समय अधिक होता है। इल्लियां पीले हरे से गहरे भूरे रंग की होती हैं। इल्ली पौधों को रात्रि के समय जमीन की सतह से काटती हैं और उगते हुए पौधों को अथवा बढ़ती हुई शाखाओं को काटकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 20 किलोग्राम कार्बोरिल 10% या पैराथियन डस्ट 2% प्रति हेक्टेयर या कार्बोरिल घुलनशील 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। डीजल, बीज, खाद और कीटनाशकों के साथ ही मजदूरी की दर बढ़ने से किसानों की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में किसान सब्जियों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से कहा है कि किसान सब्जी की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो हो ही गया है, साथ में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न हर साल निर्यात भी कर रहा है। किसान उन्नत तरीकों से सब्जियों की खेती करें, साथ ही वैल्यू एडेड करके बाजार में बेचें तो आय में बढ़ोतरी होगी। संकर किस्म के बीजों का उपयोग कर किसान ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही सब्जियों के निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। किसान बेमौसमी सब्जियों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल कटाई के लिए कटाई मशीन रीपर का आविष्कार किया है, जो कटाई के लिए अत्यंत उपयुक्त मशीन है। वर्तमान में 2 प्रकार के रीपर, ट्रैक्टर चलित एवं स्वचलित रीपर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर चलित रीपर का उपयोग किसानों द्वारा फसल कटाई के लिए किया जाता है। कई बार सही ढंग से रखरखाव न कर पाने की वजह से ऐन वक्त पर रीपर कार्य नहीं कर पाते। इसके लिए आवश्यक है कि कटाई करने से पहले रीपर की पूरी तरह से जाँच कर लें। यदि फसल ठीक ढंग से नहीं कटती है तो कटर बार में लगी ब्लेड्स को बदल दें। फसल ठीक से ऊपर नहीं उठ रही हो तो ऐसी स्थिति में स्टार व्हील पट्टी की गति को ठीक करें। फसल की कटाई ज्यादा ऊपर से होने की स्थिति में कटर बार की ऊंचाई ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक से एवं स्वचालित रीपर से नीचे झुकाकर ठीक करें। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे।
आगर में न्यूनतम 3,800 रुपए, अधिकतम 4,260 रुपए, दमोह में न्यूनतम 3,750 रुपए, अधिकतम 4,160 रुपए, शाजापुर में न्यूनतम 3,670 रुपए, अधिकतम 3,950 रुपए, सतना में न्यूनतम 3,600 रुपए, अधिकतम 3,942 रुपए। अरहर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम 3,600 रुपए, अधिकतम 5,050 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 3,000 रुपए, अधिकतम भाव भी 3,000 रुपए रहा। खातेगांव में न्यूनतम 3,500 रुपए, अधिकतम 4,361 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 3,500 रुपए, अधिकतम 5,050 रुपए। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 1,500 रुपए, अधिकतम 1,770 रुपए। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,750 रुपए, अधिकतम 1,790 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1,750 रुपए, अधिकतम 1,931 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1,740 रुपए, अधिकतम 2,005 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे विकासशील देश में कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की विशेष भूमिका है। ये एक ही विषय पर नहीं, कई विषयों पर आपके लिए मदद के लिए खड़े रहते हैं। हमारी फसलों की आय को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनकी क्या भूमिका है, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी से। प्रसार जो कि कृषि का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, जहाँ तक तकनीकी विकसित कहीं ना कहीं अनुसंधान केंद्रों पे, विश्वविद्यालय स्तर पे एक तकनीकी हमारी अनुसंधान होता है और उसके दौरान प्रयास ये किया जाता है कि किसानों तक पहुँचाई जाए, और किसानों तक पहुँचाने का कार्य एक प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। उसकी विश्वसनीयता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में वो कितनी तेज़ी से और कितने अमूल तरीके से वो वहाँ तक किसानों तक पहुँचाता है, क्योंकि तकनीकी विकसित करने के पीछे हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि अत्यधिक किसान इससे लाभान्वित हों। प्रसार कार्यकर्ता को विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो उस क्षेत्र विशेष के लिए जो तकनीकी बनाई गई है उस क्षेत्र विशेष में वो तकनीकी जाए, ताकि किसान भाई निश्चित होकर टिकाऊपन के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएं। प्रसार कार्यकर्ता का मध्य प्रदेश में जहाँ तक हम योगदान देखेंगे तो विगत 3 वर्षों से हम कृषि कर्मठ पुरस्कार के हकदार बन रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों से जो प्रसार कार्यकर्ताओं की कड़ी जुड़ी हुई है वो वास्तव में एक विश्वसनीय काम कर रही है। जहाँ तक कृषि के प्रसार के कार्य के ऊपर हम बात करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, साथ ही कृषि विकास अधिकारी, और अभी वर्तमान में जो हमारा आत्मा
परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक तकनीकी मैनेजर, असिस्टेंट तकनीकी मैनेजर और एक तकनीकी सशक्त माध्यम जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में उभर के आया है प्रदेश में, ये तीनों अपने अपने सुचारू रूप से प्रसार का काम करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि इस विशेष क्षेत्र के लिए ये तकनीकी लाभान्वित होगी। मैं किसान भाइयों को यहाँ भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारा संपर्क इन प्रसार कार्यकर्ताओं से इतना सशक्त होना चाहिए। कुछ कमजोरियों पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा उस चीज़ों पे ध्यान कम दें कि भाई आदान व्यवस्थाओं में आप हमको क्या प्रस्तुत उपस्थित करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि इतना सशक्त उनसे हमारा संपर्क रहे कि तकनीकी जानकारी, समय समय पर लाभान्वित योजनाएं, परियोजनाएं और हमारे साथ यदि कोई प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है, मेले का आयोजन हो रहा है, यदि कहीं भ्रमण का आयोजन हो रहा है या संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये तभी संभव हो पाएगा जब ये आपका सशक्त उनसे संपर्क होगा। सशक्त संपर्क पे मैं बार बार जोर देने का प्रयास यूँ करूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग भी किसान भाई महसूस करते हैं कि कभी कभी हम अखबार में या रेडियो पे या टीवी पे कोई कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं तो हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमको अरे यार ये जानकारी नहीं मिल पाई, नहीं तो मैं भी इसमें उपस्थित होता। तो ये विभाग भी ये काम करता है, कृषि विश्वविद्यालय भी यही काम करता है, कृषि विज्ञान केंद्र भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई कार्यक्रमों में उपस्थित हों और ये तभी संभव है तब ये अगर आपका सशक्त हो। प्रसार कार्यकर्ताओं की भी मैं जिम्मेदारी आज इसके माध्यम से सुनिश्चित करूंगा कि पहले तो उनको अपने क्षेत्र को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इतना मेरे पास क्षेत्र है और लगभग जितने किसान परिवार हैं उनसे रूबरू मेरे संपर्क हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी संकलन होना चाहिए। मैं इसके पहले जहाँ भी काम करता रहा हूँ मैं हमेशा एक प्रयोग कराता हूँ कि हमारे क्षेत्र में 5 से 6 किसानों का एक दल बनाए और साथ में घूमें। अगर आप घूमेंगे और ये पाएंगे जब किसान आपस में बात करेंगे और ये कहेंगे कि अरे वाह ये कौन सी किस्म है, अरे वाह ये फसल तो बहुत अच्छी है, अरे वाह ये खेती कितनी अच्छी लग रही है, तो वो खेती क्यों अच्छी लग रही हो या क्यों वो किस्म अच्छी लग रही है उस पे वहाँ रुक के विचार करें और निश्चित रूप से उस तकनीकी को उस क्षेत्र में विगत 3 वर्षों के लिए आप चलाएं। आप देखेंगे क्योंकि हमारे किसान भाई हमेशा भटकते हैं, जब किसान मेले में आते हैं, प्रदर्शनियों में आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये तकनीकी में हमको बताएं, ये बीज हमको कहाँ मिलेगा, ये सब जानकारियों के अभाव के कारण वो भी थोड़ा थोड़ा चूक करते हैं। तो मेरा हमेशा यही प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रसार कार्यकर्ताओं को भी मेरा यही है, क्योंकि देखिए किसान भाइयों जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ मासिक कार्यशाला, इंटरफेस और इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब सेवा में रह के प्रशिक्षण, ये हम लोगों के वैज्ञानिकों के सामने ये लोग करते हैं, हमारे द्वारा इनको समय समय पर प्रशिक्षण किया जाता है। और इंटरफेस तो ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रगतिशील किसान, युवा किसान, महिला किसान भी उपस्थित रहते हैं। देखिए इनके माध्यम से क्या होता है, इनके माध्यम से वर्तमान में होने वाली तकनीकी, वर्तमान में होने वाली फसल, वर्तमान में होने वाली किस्मों, इनकी विशेषताओं पर खुल के चर्चा होती है। और अब हम क्या उम्मीद करते हैं कि ये प्रसार कार्यकर्ता तुरंत आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। ये एक कड़ी है, बरसों से चली आ रही है, इसको सशक्त बनाने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक किसान ऐसा है जो आप पे संपूर्ण भरोसा करता है और यदि आपके द्वारा तकनीकी में अचूक या आपके द्वारा जानकारी ना देना आपकी अविश्वसनीयता को बढ़ाता है और अविश्वसनीयता जहाँ बढ़ गई वहाँ फिर हमारा कृषि का काम रुक जाता है। क्योंकि किसान एक ऐसी कड़ी है, किसान एक ऐसी इकाई है, किसान एक ऐसा हमारे खेती का मजबूत अंग है जो बहुत कुछ चीज़ें आपसे सीखना चाहता है, बहुत कुछ चीज़ें विज्ञानियों पर निर्भर रहता है, वो आपके ऊपर एक आशा भरी नज़रों से देखता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं,
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी आय के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है अमर सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अपनी कृषि में अधिक से अधिक मेहनत करके नवीनतम तकनीकों को अपनाकर एक नया मुकाम हासिल किया और बन गए सफल किसान के उदाहरण। तो आइए आज हम आपको इन्हीं से मिलवाते हैं। किसान भाइयों, मैं भी आप सबकी तरह एक किसान हूँ। केवल फर्क इतना है कि किसान होने के साथ साथ मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और शौकिया तौर पर मैं एक साहित्यकार भी हूँ, लेकिन मूल रूप से मैं किसान हूँ। वैसे भी भारत देश 80% कृषि प्रधान देश है और एक किसान होने के नाते मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं अपने भारत देश के लिए कृषि के माध्यम से कुछ कर सकता हूँ। भाइयों, मैं आज आपके सामने एक जैविक कृषक के रूप में विशेष रूप से अपने अनुभवों को बांटना चाहता हूँ और इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ना केवल हम अपने जमीन से, अपनी कृषि की ज़मीन से विपुल उत्पादन लेने के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि हम जो उत्पादन जनता के बीच में, आम नागरिकों के बीच में ले जा रहे हैं, वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होना चाहिए। और ज़मीन में जब हम DAP और यूरिया और इस तरह के रसायनों का उपयोग करते हैं तो उसके वो बैक्टीरिया जो ज़मीन की संरचना के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं वो लगातार मरते जाते हैं और ज़मीन ठोस होती जाती है। आज हमारे किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि पहले जब वो हल बैलों से चलाते थे तो बड़े आसानी से ज़मीन के अंदर जाते थे, आज स्थिति क्या है कि हम ट्रैक्टर को पूरा कल्टीवेटर पूरा दबाते भी हैं तो वो अंदर नहीं जा पाता है। ज़मीन क्यों आखिर इतनी ये कठोर होती जा रही है? उसका कारण है कि हम अंधाधुंध तरीके से उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। DAP जो रॉक फास्फेट से बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से जो है ना उसको तैयार किया जाता है। अब स्थिति यह होती है कि वो मात्र जो है 20-22% तत्व उसका उपयोग होता है और बाकी ज़मीन में डला रहता है और धीरे धीरे वो ज़मीन को कठोर करता जाता है। तो इसका सबसे बहुत ही आसान तरीका है कि हम जैविक कृषि की तरफ मुड़ें। जैविक कृषि करने से हमारा उत्पादन लागत भी कम आती है और हम इस देश के लिए एक स्वस्थ वर्धक जो है उत्पाद ज़मीन से पहुंचा सकते हैं। मात्र आप 10-15 किलो गोबर का इस्तेमाल करके जो है ना एक अच्छी खासी जो है ना खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें आप जो आपका कूड़ा करकट होता है, सबसे ज़्यादा आसान ये है कि आप या तो 6 फुट बाई 3 फुट बाई 12 फुट का एक गड्ढा खोद लें, उसमें पहले 6 इंच की लेयर जो है, आप जो आपके खेत खलिहान में कूड़ा करकट होते हैं जो आपके अनुपयोगी हैं उनकी एक परत डाल दें, उसके ऊपर गौमूत्र और 4-5 किलो गोबर लेके 150 लीटर पानी में घोल के और उसमें आप डालिए ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपका उसको गलाने का काम करता है, ये एक बैक्टीरिया है। ट्राइकोडर्मा और इन सब का मिश्रण जब उसमें डालेंगे तो वो गलना चालू हो जाएगा। उसके ऊपर आप एक और परत बनाइए। अगर आप इसको फास्फो कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो 40 किलो आपको जो है ना रॉक फास्फेट लेना पड़ेगा, रॉक फास्फेट जिससे आपका DAP बनता है। लेकिन रॉक फास्फेट आप मूल रूप में लेके, पाउडर फॉर्म में लेके, उसमें भी 10 किलो गोबर मिला दें, उसमें PSB बैक्टीरिया मिला दें
और इस तरह से उसमें कुछ अपने खेत की जो सड़ी हुई गोबर होती है, सड़ी हुई कुछ मिट्टी होती है, 5-10 किलो उसमें वो मिला लें और 1-6 इंच की लेयर उसमें भी बना दें। और उसके बाद में फिर ये ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा नमी उसमें प्रॉपर रूप से बनी रहना चाहिए और ऊपर 3-4 इंच की एक मिट्टी की परत चढ़ा दें। इस तरह से लेयर बाई लेयर करके आप जो है 3 फुट का पूरा गड्ढा भर दें और ऊपर जो आपकी सतह ऊपर निकल जाती है उसको भी पूरा कवर कर दें, प्लास्टिक की पन्नी से ढक दें। तो ये आपका एक गड्ढा में जितना आपको मिलना है ये आपका लगभग 4 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इस तरह आपका ये ह्यूमस की कमी जो होती है ये आपकी ज़मीन की पूर्ति करेगा। ये फास्फो कंपोस्ट भी हो गया और आपके तमाम तरह के जितने भी तत्व हैं वो इसमें मिलते हैं। ये इस तरह के बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको हमें देखना है। और किसान अगर जागरूक रहे तो एक गाय के माध्यम से आप पूरी 2 एकड़ की खेती बिना किसी खाद और लागत के कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें। आप गांव के ग्राम सेवक कृषि विस्तार अधिकारी जो रहता है उससे मिलें, नाडेप का उपयोग करें। तो हमारे जो जैसे अभी हम बोलते हैं हमारे खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, हमारे गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, इसी तरह हमारे खेत का जो कूड़ा करकट है हमारी उत्पादकता में सहायक बनना चाहिए। और इसका बहुत अच्छा यही उपाय है कि आप उसका खाद बनाने में उपयोग करें। एक आप प्रयोग भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके खेत में बहुत ज़्यादा उगरा लग रहा है तो आप छाछ का उपयोग करें। मात्र 3-4 दिन जो है आप मठे को जो है ना डाल के या तो उसको बीज को ट्रीटेड करें, उससे भी कर सकते हैं। आप PSB बैक्टीरिया आप 2 किलो बोनी के समय यदि खेत में डालेंगे तो आपको DAP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन में जो आपका DAP है ये बैक्टीरिया घोल के आपकी जड़ों को सहायक हो जाएंगे। आप राइजोबियम का उपयोग करें तो आपके यूरिया की कमी को राइजोबियम बैक्टीरिया पूरा करेगा। 2 किलो 1 एकड़ में लगता है। इसी तरह ट्राइकोडर्मा भी आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा आपके फंगस वगैरह को दूर करता है। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कसौर सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मॉनसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ हमें उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।